अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना अपने घर वालों की सेहत का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे और दुख दर्द टेंशन आगे की परेशानी के बजाय अपने अंदर अच्छा अच्छा चला रहे होंगे, अपने आप को पावरफुल बना रहे होंगे। अब एक ऐसी पावर जो शायद कोई आपसे छीन ना सके, किसी किस्म की कोई सिचुएशन आपको हिला ना सके। हमारे साथ होता यह है कि सारी ज़िंदगी हम सारी मेहनत जो है वो सारी कोशिश जो है वो बाहर की पावर हासिल करने में लगा देते हैं, यानी कि दौलत हो, मकाम हो, स्टेटस हो, और क्यों ना करें। हर किसी को अच्छा लगता है कि उसके पास दौलत हो, उसका एक अच्छा मेयार, अच्छा मकाम हो, लेकिन मसला सारा ये है कि ये दौलत और मकाम मिलता भी उन लोगों को है जो अंदर से पावरफुल होते हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि ये जितने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हो गए या पैसे वाले हो गए, दौलत वाले हो गए, स्टेटस वाले हो गए, मकाम वाले हो गए, ये लोग बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, बड़े कंट्रोल्ड होते हैं, बड़े कमिटेड होते हैं अपने अंदर, यानी कि अपने इनर पावर को उन्होंने काफ़ी हद तक काबू किया हुआ होता है और बढ़ाया हुआ होता है। इसी वजह से वो पावर फिर बाहर भी हासिल करना उनके लिए आसान हो जाता है। वो छोटी छोटी बातों पे उलझते नहीं है, छोटी छोटी बातों पे उनका दिल दुखता नहीं है। वो कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी मंजिलें तय करने वाले रास्ते की छोटी छोटी बातों पे नहीं उलझते। तो उन्होंने अपने आप को, अपने इनर पावर को बड़े अच्छे से कंट्रोल किया होता है। तो अगर आप भी ये पावर हासिल करना चाहते हैं, बाहर की एक्सटर्नल पावर, तो काम अपने अंदर की इनर पावर पर करना बहुत ज़रूरी होगा। और इनर पावर को गेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे बढ़कर आपकी सोच है, अच्छा किस तरह से सोचना है, स्टेबल किस तरह से रहना है, हर सिचुएशन में हर बात पे रिएक्शन नहीं देना है और देना है तो किस तरीके का देना है। तो ये सारी चीज़ें अपने अंदर से शुरू करेंगे तो फिर बाहर ये सारी दौलत और ये सारा मकाम आप इंजॉय कर सकेंगे। आ जाते हैं हमारे आज के शो पे। बहुत ही क्यूट सी हमारी आज की गेस्ट है और बहुत ही स्वीटली वो बात करती है। नाम है उनका आमतुल्ला, और आमतुल्ला फर्स्ट टाइम आ रही हैं और हमारे लाइवली वीकेंड्स में ये भी पढ़ रही हैं, कॉथम की स्टूडेंट हैं, प्लस बाकी सारी बातें मैं ज़रा इनको बुला कर ही करती हूँ ना। आइए जी, वेलकम आमतुल्ला। फाइनली मैंने नाम ठीक लिया, वो अमानतुल्ला अमानतुल्ला आ रहा था, है ना। हाँ, छोटी सी है ना, क्यूट सी है। हाँ जी, वेलकम टू माई शो। थैंक यू। कैसा लग रहा है? बहुत एक्साइटेड हूँ। रात में सोई नहीं सोई? एक्चुअली नहीं सोई, बिजली नहीं थी इस वजह से नहीं सोई। एक्साइटमेंट में नहीं सोई, एक्साइटमेंट में नहीं सोई। वो एक्साइटमेंट नज़र आ रही है ना मुसलसल। आमत ने मुझे बोला कि मैं थोड़ा सा उर्दू में प्रॉब्लम होती है और इंग्लिश, मैंने कहा चला लेना, कह रही ज़्यादातर हम गुजराती बोलते हैं, गुजराती में ही बोल लो, कुछ तो बोलो गुजराती में। तो किम छो? मजा मजा। मेरा ख्याल से यही था ना? यही होता है, यही होता है। हाँ जी, क्या करती हैं आप? जी मैं अभी कॉथम की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। हाँ। और साथ साथ वो भी चल रहा है, स्टडीज भी चल रही है। अच्छा। और साथ साथ रमादा में ट्रेनिंग भी ले रही हूँ, रमादा प्लाजा में। अच्छा ठीक है, वहाँ पे होती हूँ, वहाँ पे ट्रेनिंग दे रही हूँ। और साथ साथ प्राइवेट ब्रांड्स के साथ ऐसे रेसिपी शूट वगैरह ये सब चलता रहता है। और मेन चीज तो बताई नहीं, आइसक्रीम फैक्ट्री है भाई इनके फादर की, यानी कि लोग आइसक्रीम बनाते हैं। आइसक्रीम बनाते हैं और सब फ्लेवर्स। वी हैव 40 फ्लेवर्स। वाओ। तो ये आप लोग ऑर्डर्स वगैरह लेते हो या? हम ऑर्डर्स लेते हैं मेनली, जैसे अभी जैसे भी हालात के हिसाब से। वी हैव स्टार्टेड ऑनलाइन बिजनेस। हाँ, वो चल रहा है अभी। नजमी आइसक्रीम। नजमी आइसक्रीम। या अच्छा, और ये पेशावरी स्टाइल की बनाते हैं आप लोग? आज मैं जरा खा कर देखूंगी ना, ये लेकर आई है आइसक्रीम, कुछ मीठा भी बन रहा है। या वी आर मेकिंग डेजर्ट, उसके साथ हम आइसक्रीम सर्व करेंगे। ओह वेरी गुड। तो आगे के क्या प्लान्स हैं आमत आपके? आगे के ये प्लान्स है कि मुझे अपना एक खुद का कैफे खोलना है। हाँ। उसमें बाबा की आइसक्रीम भी लानी है। ओ, साथ साथ। और मेरा जो जब जो मैंने सीखा है सब कुछ सारा, वो सारा कुछ I'll bring in my cafe. वैसे इंटरेस्ट आपका खुद पर्सनली किस चीज़ पर, कौन सी क्यूज़ीन पर? मैं ऑलराउंडर, मैं सब बना, थोड़ा थोड़ा सभी में इंटरेस्ट है, मैं सभी बना लेती हूँ, लाइक ऐसे कुछ वो नहीं है, लाइक सभी बना लेती हूँ। अच्छा, आपका ताल्लुक बोरी फैमिली से? या बोरा का। आज कुछ नहीं आप बना रही हैं बोरी? नहीं यार, ये तो गलत बात है। आई हो खास और बोरी डिशेस भी हमें सिखाओगी तो फिर इतने मजे मजे के खाने होते हैं आप लोगों के। या हमारे बहुत मजे के गुजराती स्टाइल के, या गुजराती
सारा कुछ या वेरी गुड आते हैं बनाने वो सब. हाँ मैंने बाबा से अच्छा कुछ सीखा है और बाबा मम्मा दोनों से. बाबा भी कुकिंग करते हैं? बाबा भी कुकिंग करते हैं, मम्मा भी कुकिंग करती है और हम सब साथ जब भी कुकिंग होता है तो हम सब साथ कुक करते हैं घर में. कितने लोग हैं आप लोग? कितने? मैं, मम्मा, बाबा और भाई है बस, एक छोटा सा. भाई भी कुकिंग करता है? नहीं, ही नॉट इंटरेस्टेड. हर कोई किचन में लगा हुआ है वरना. तो जी हम सबसे पहले आज क्या सीखेंगे आप? आज सबसे पहले हम बनाएंगे मैंगो वर्स ट्राइफल. ठीक है, जिसके अंदर हम आइसक्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं. अच्छा ठीक है. उसके बाद हम कढ़ाई बना रहे हैं. अच्छा. देन वी आर मेकिंग बिस्को मश कैनपीज. अच्छा, बिस्को मश कैनपीज बेसिकली फिंगर फूड होता है, ओपन वाले जैसे. या तो हम उसके अंदर लाइक तीन चीजों से बनता है. तो हमारा उसका नीचे का बेस हो गया, स्प्रेडिंग हो गई और उसकी गार्निशिंग हो गई, वो तीन चीजों से बनता है. तो आज जो बना रहे हैं बिस्को मश, लाइक मैंने उसको खुद नाम दिया है बिस्किट और मशरूम के साथ बना रहे हैं. अच्छा, इस तरह. तो मैंने इसको बिस्को मश एक नाम दे दिया. अच्छा. और इसके साथ साथ हम बना रहे हैं चीज एंड टीज मलाई बोटी. ये मलाई बोटी किसकी रेसिपी है? मेरी खुद की, बसारी खुद की सीखी हुई. इंस्टीट्यूट की सीखी हुई और घर में कुछ ना कुछ नया नया ट्राई करते हैं तो लाइक वो सब मिक्स. इतनी अच्छी उर्दू तो बोल रही हो, फिर खामा खा में बोल रही थी कि मैं उर्दू नहीं बोल सकती. वो थोड़ा सा ऐसा था, पता नहीं, मैंने बहुत प्रैक्टिस किया आने से पहले उर्दू बोलने का. या कोई बात नहीं, हम आपसे गुजराती बोलवाएंगे. सारे शोज देख लिए. अच्छा अच्छा, हम ब्रेक की तरफ बढ़े या किचन की तरफ? ब्रेक की तरफ बढ़े. अभी मैं आमद से गुजारिश करूंगी कि आप कैमरे को मैं देखकर ब्रेक लेंगी, लेकिन गुजराती स्टाइल में लेंगी. ठीक है कि हम आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स. मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मज़ेदार सी रेसिपीज बनाऊंगी. तो आप लोग एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस ओके. हमें ब्रेक पूछिए वापस आउसू मज़ेदार रेसिपीज साथ है. तो सगला स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय. इंग्लिश आ गई. ठीक है जी, ब्रेक लीजिए. हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप. जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए हर घर. आ जाए जी, वेलकम बैक. और आमद जो है वो इंतजार में है और थोड़ा सा स्ट्रेस में भी है कि ये हो जाएगा और मैं पहले ये करती हूँ वो करती हूँ. कल बारिश भी ठीक से ये एंजॉय नहीं कर सकी, इसी स्ट्रेस में थी कि आज शो पर जाने. नो स्ट्रेस, टेंशन फ्री रहने का है ना? यस. अच्छा जी, हमने क्या करना है? हम शुरुआत कर रहे हैं ये मैंगो वाले रेसिपी डेजर्ट के साथ. मैंगो ट्राइफल. मैंगो वर्स ट्राइफल. या मैंगो वर्स ट्राइफल. अच्छा, ये वर्स क्या है? वर्स मतलब लेयर्स. लेयर्स है, ठीक है. तो इसके लिए विल स्टार्ट. हमने मैंगो जेली पहले से लिया था, ओवरनाइट हमने इसको ठीक है कर दिया था. इसके अंदर हमारे पास मैंगो कस्टर्ड है यहाँ पे. ठीक है. फॉर दैट हम उसके अंदर 2 टेबलस्पून मैंगो प्यूरी ऐड करेंगे. अच्छा, नॉर्मल कस्टर्ड जो मिलता है? नॉर्मल कस्टर्ड, जो पैकेट कस्टर्ड हमारे पास मिलता है. ठीक है ठीक है. मैंगो और 2 टेबलस्पून हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे. ठीक है ठीक है. अच्छे से इसको मिक्स करके. अच्छा, हम तो मैंगो फ्लेवर दे रहे हैं, आप कोई भी दूसरा फ्लेवर दे सकते हैं, वनीला के साथ दे सकते हैं. जेली आप स्ट्रॉबेरी ले लें, स्ट्रॉबेरी सीजन में है तो आप स्ट्रॉबेरी की प्यूरी डाल दें. ठीक है, ये हमारा डन हो गया. ठीक है, अब इसको आप अच्छे से फिल कर दोगे. मैं टिश्यू दे दूँगी. सारी लेयर्स हमें. ठीक है, तरीके से ये आप 2 पहले से बना के लेकर आइए आमद, और जिसको हमने अच्छे से सेट कर लिया ताकि लेयर्स बने. लेयर्स बन जाए हमारी. और लेयर्स के लिए बस ये होता है कि आपको सेट करना पड़ता है, फ्रिज में रखो. ऐसे केक्स में भी बड़ा मसला नहीं होता लेयर्स? बहुत ज्यादा चीज तो अच्छी लगती है देखने में, लेकिन फिर टाइम इट्स टाइम टेकिंग. हां ओके, जैसे हमारे पास ये रेडी है. ठीक है, तो हम एक स्पून ये वाला छोटा दे, ये चलेगा? या इसके अंदर हमारी जो थर्ड लेयर आएगी, पहली लेयर जेली, सेकंड लेयर हमारे पास कस्टर्ड आ गया. ठीक है, थर्ड लेयर में हम इसके अंदर कैंडी बिस्किट ऐड करेंगे. अच्छा ठीक है, ये शुगर वाले बिस्किट्स हैं, वो आप चूरा कर लें उनको. अच्छा, आपको आइसक्रीम भी चाहिए थी? या इसके लिए वो आइसक्रीम
लेकिन वो हम प्रेजेंटेशन के टाइम. अच्छा, प्रेजेंटेशन के टाइम है, ठीक है, वो हम बाद में करेंगे वरना वो मेल्ट ना हो जाए. या वो मेल्ट हो जाएगी. एग्जैक्ट. इसको ऐसे ही हम रख देंगे बेशक. अच्छा, ये इसके मज़े का लग रहा है यार. सिंपल सा देखें, इतना ना क्रीम का इस्तेमाल. कस्टर्ड बनाएं, जेली दें, बिस्किट दें, लेयर्स दें कोई, और ऊपर आप इंस्टेंट रेसिपी. हाँ, सिंपल भी है, बहुत सिंपल है, रिच भी ज़्यादा नहीं है. या आराम से खाएं. हाँ, आइसक्रीम दे ही दें. चले, मैं जब तक आइसक्रीम ट्राई करती हूँ. नजमी आइसक्रीम ट्राई करती हूँ, कैसी है. अच्छा, आपको आती है आइसक्रीम बनाने? नहीं नहीं. अच्छा. और मैंने बाबा से कभी पूछा भी नहीं कि कैसे बनती है. क्या ज़रूरत है, बन रही है ना. किसी एक को आती है बस, काफ़ी. या एग्जैक्टली. हाँ, अलग तो मज़े की रही है. वेरी गुड, ज़बरदस्त मैंगो आइसक्रीम है भाई. बाबा ज़बरदस्त, वेरी गुड. बाकी दूसरे फ्लेवर्स बाद में चेक करेंगे. अच्छा, मैं इसको फ्रीजर में रख देती हूँ. ये तो वाकई में भाई अच्छा हो आप कार्ड लेकर आए, मैं ऑर्डर कर देंगे उनको जब भी चाहिए हो. अच्छा, ये आ गया बिस्किट, कस्टर्ड हमारा. और अब और कोई लेयर आएगी या अब क्या है इसके ऊपर? अभी हमारे पास अच्छा मैंगो है, इसके ऊपर एक मैंगो की लेयर आएगी. वेरी नाइस. अब आप मिक्स फ्रूट भी ले सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ मैंगो वर्स ट्राइफल है. ज़बरदस्त. आमत, एक रेसिपी तो आपकी हो ही गई कंप्लीट. या हाँ, इतनी टेंशन ले रही थी. है ना आमत, क्यूट सी. अच्छा जी, आज हम आपको बताएं, हमारे शो पर वाउच 365 की बुक्स हैं आपको देने के लिए, और उसके लिए आप लोग हमारे शो का हिस्सा बन जाएं. और हमारे पास एक नया ब्रांड आया है मसालों का, और बहुत ही ज़बरदस्त, स्वाद के नाम से. स्वाद आ गया बादशाहो, स्वाद मसाले, स्वाद भरी जिंदगी जी. और इनका मानना यह है कि अगर आप इनके मसाले इस्तेमाल करें तो डिब्बे पे जिस तरह इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, जो तरकीब दी हुई है, अगर आप एज़ इट इज़ फॉलो करते हैं तो वो जो बाहर के खाने हैं ना, वही मज़ा आपको घर के खानों में लाजमी आएगा ही आएगा. तो स्वाद भरी ज़िंदगी स्वाद मसालों से. हाँ जी, रेडी? या इट्स रेडी, ऑल सेट. बड़े अच्छे से आपने इसको गार्निश किया है. ये सब घर से लेकर आई हुई हो? या ये सब भी शौक है? या सिर्फ खाना पकाने की हद तक नहीं, नहीं, ना, नहीं मुझे प्लेटिंग वगैरह डेकोरेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है. लाइक कुछ चीज़ हम प्रेजेंट करें तो इतना हसीन होना चाहिए कि सामने वाले को ऐसी आई कैचिंग. आप शुरू से ऐसी क्यूट सी हैं, छोटी सी हैं, तो बहुत छोटी सी, इतना शौक कैसे आ गया कि मैं कुकिंग भी करूं? स्टार्ट से था, लाइक घर पर नया नया एक्सपेरिमेंट्स ट्राई करके, मतलब कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे, और आउटकम जो आता था वो हमेशा इतना इंटरेस्टिंग और अच्छा आता था. तो बस फिर इसी हिसाब से कभी सोचा था लाइवली वीकेंड्स में आऊंगी? नहीं सोचा था. है ना, सबको बताया हुआ है खानदान में, घर पे फैमिली फ्रेंड्स सब, हर कोई देख रहा है. या वेरी गुड जी, आमत इज हियर ऑन आवर शो फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली रेसिपी हमने तैयार कर दी है, इसको हम रखेंगे वहाँ पे. अच्छा, इसमें सिर्फ अब जाएगी आइसक्रीम का स्कूप, और टॉप पे गार्निशिंग के लिए हम मिंट लीव, ठीक है, लगा देंगे. हम आइसक्रीम बिल्कुल एंड में डालेंगे ताकि अच्छी सी उसकी लुक आए. अच्छा, हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं. और क्या बना रहे हैं? कढ़ाई. मैं आपको ये देती हूँ, इसमें बनाओ खुला. शेफ कुकवेयर में हम आज अपनी कुकिंग करेंगे. ज़बरदस्त ये पैन्स एंड पॉट्स हैं नॉन स्टिक के हमारे पास, आप लोग भी जाकर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं majesticchef.com पे. अच्छा, अब ये कढ़ाई हम बना रहे हैं स्वाद. ओके, और ये कौन सी कढ़ाई है? कढ़ाई मसाला. कढ़ाई मसाला, कढ़ाई गोश्त मसाला, ठीक है. हम मुर्गी की बना रहे हैं, ठीक है, कढ़ाई गोश्त रेसिपी है. हाँ जी, स्वाद आ गया बादशाह. ज़रा इनकी टैगलाइन तो बोलें आप अपने गुजराती स्टाइल में, कुछ बोल सकती हो? या स्वाद आवी गयू, पूरा बोलो ना, बादशाह भी बोलो. बादशाह. अच्छा, सही. यहाँ पर गुजराती भी भूल गई हूँ. बस ओके. इसके लिए कढ़ाई के लिए हमने तेल को हम मेहनत चेक करें ना, ज़रा मेहनत तो आपकी दिखा दूँ मैं. ये मैंगो वर्स ट्राइफल
ये कढ़ाई गोश्त, ये किसने सारा प्रिंट आउट वगैरह निकाला? मैंने मैंने खुद ही किया या, या, या। पूरा निकाल के कार्ड बनाकर वेरी नाइस। और जैसे जैसे तैयार होता रहेगा हम इसको ऐसे करते रहेंगे, इसको भी ज़रा स्टिक करते हैं। गुड जॉब, थैंक यू। इतनी टेंशन लेकर आई बेचारी। अच्छा जी, ओके। कढ़ाई में हमने लो फ्लेम के ऊपर ऑयल को हीट कर दिया, ठीक है। जैसे ही ऑयल हमारा हीट हो जाएगा, हम इसके अंदर 1 kg चिकन जो हमारे पास है, ठीक है, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा ठीक है। उसको ऐड करने के बाद वी लीव इट अंटिल इट चेंजेस इट्स कलर, वो थोड़ा सा जैसे गोल्डन होगा, हम इसको जब तक छोड़ देंगे। और हम बोनलेस से बना रहे हैं, ठीक है। बड़े चमचे वहाँ पीछे रखे हुए, मैं ज़रा स्वाद मसालों में चेक करूँ ना क्या क्या है। शामी कबाब रेसिपी है, चिकन टिक्का रेसिपी, टिक्का बोटी रेसिपी, कड़ी पकौड़ा रेसिपी भी है, और हलीम मिक्स भी है, शाही खीर, चिकन रोस्ट, बिरयानी रेसिपी, और ये है इनका शाही करी रेसिपी। अच्छा ये वो है करी पाउडर, वेरी गुड, करी पाउडर भी आ गया। ये मिक्स मसाले जो हर सालन में डलते हैं। हाँ जी, अब क्या, अदरक लहसुन? नहीं, अभी पहले चिकन। ओके, अच्छा ये चॉप्ड, फ्रेशली चॉप्ड आप लेकर आए हो, ठीक है। डालने डाल दो, हो गया होगा ऑयल। किचन, वैसे घर पे कौन कुकिंग करता है? अम्मी करती है, मैं, मम्मी, बाबा, सब सारे कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। सैटरडे संडे को कौन करता है कुछ खास दिन? मैं ज़्यादातर जो भी सीखा है मैंने अभी तक, वो मैं कुछ ना कुछ नया ट्राई करती रहती हूँ घर पर। कल क्या खाया आपने? कल मैंने रोल बनाए थे। रोल? या चिकन रोल? चिकन रोल पराठे के साथ। पराठे के साथ या। नई रेसिपी ट्राई की थी या पुरानी? मैं ना ज़्यादातर नए सॉसेस ट्राई करती हूँ, मुझे सॉसेस में कुछ अलग सा इंटरेस्ट है। अच्छा, सॉसिया, सॉसी सॉसी है। सॉसी तो कल कौन सी सॉस ट्राई की थी? कल हमने व्हाइट सॉस बनाई थी। अच्छा, रोल्स के साथ? रोल्स के साथ। अच्छा, अच्छे बन गए? अच्छे बन गए। आज कुछ ट्राई करने का इरादा है घर जाके? नहीं, आज घर जाके मैं सुकून से सोने वाली हूँ। अच्छा बेचारी, ऑनेस्ट है भाई। हाँ आज तो आराम करना, आज आराम करना, फिर रात में शो देखना अपना रिपीट। सही है। इसका कलर जैसे ही चेंज होगा, इसका कलर जैसे ही चेंज होगा हम इसके अंदर। हाँ हाँ, कोई कॉल है तो कॉल दें। We'll add 1 tablespoon ginger. ठीक है। 1 tablespoon garlic. ठीक। इसको थोड़ा सा सौते करोगी अभी? या। और तो कुछ अभी नहीं डाल रही? नहीं अभी कुछ नहीं। सही है, ठीक है। जब तक ये हम चिकन का थोड़ा सा कलर चेंज होता है, अदरक लहसुन उसमें मिक्स होता है, सौते करते हैं, ब्रेक भी ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे और फिर यहीं से जो स्वाद की हम कढ़ाई बना रहे हैं, स्वाद मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी रेसिपी हम आपको आगे बताते हैं इस ब्रेक के बाद। जी हम कढ़ाई बना रहे हैं स्वाद मसाले से, और अभी हमने क्या किया आमत आपको बताती हैं जी। अभी हमने पहले तेल गरम करके उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला दिया, फिर हमारी चिकन गोल्डन हल्का आपने कलर उसका कलर दे दिया, ठीक है। अभी और हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। सही है जी, कढ़ाई मसाला या। स्वाद आ गया बादशाह हो। आज आप लोग मुझे कॉल करें और कॉल करके जरा अपने अंदाज में ये लाइन इनकी बोले, स्वाद आ गया बादशाह हो, स्वाद मसाले स्वाद भरी जिंदगी। ठीक है, कढ़ाई मसाला। अच्छा इनका हम सॉल्ट भी इस्तेमाल करेंगे, आयोडाइज्ड सॉल्ट है, इसको भी हम कट लगा लेते हैं। लाल कुटी हुई मिर्चें चाहिए? नहीं अभी नहीं। लाल कुटी हुई मिर्चें नहीं चाहिए, ठीक है। हमने इसके अंदर मसाला ऐड कर दिया। हम्म,
इसको प्याली में निकालूँ वाला ये। इसमें ये प्याली चाहिए आपको या इसमें डाल दूँ थोड़ा सा? ठीक है, थोड़ा सा निकाल लेती हूँ वरना वो एकदम से डलता है पैकेट से। अच्छा, कितना डाला मसाला? हाफ पैकेट। हाफ पैकेट आपने इस्तेमाल किया? ठीक है। कॉलर है? हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम मुस्कान। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं किरण आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, बहुत खुश, वेरी पावरफुल। जी मैं भी बहुत पावरफुल, बहुत अच्छी। वेरी गुड, आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू। आमद से गेस्ट भी बहुत अच्छी है। आमद से बात करो जी। हेलो आमद, कैसी हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी। आज की रेसिपीज बहुत अच्छी बना रही है, ट्राई करेंगे। थैंक यू, जरूर ट्राई कीजिएगा। आपका डिजर्ट भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। ड्रेस? ओ थैंक यू। ड्रेस कह रही है, बोरी ड्रेस। अच्छा मेरी बात सुनो जी, ये जरा अपने अंदाज में खुशी से पावरफुल अंदाज में बोल के बताओ। स्वाद आ गया बादशाह हो। स्वाद आ गया बादशाह हो। स्वाद आ गया बादशाह हो, ये लग रहा है कोई टीचर सबक पढ़ा रही है बच्चों को। मुझे क्या इसके अंदर बुक चाहिए? अच्छा बुक चाहिए, चलो ठीक है, हम आपका नाम लिखते हैं, देखते हैं कि आप विन करती है नहीं करती। थैंक यू। आज का कोई क्वेश्चन नहीं है? हां क्वेश्चन नहीं है भाई आज? क्या नहीं है आज का कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं क्वेश्चन नहीं है, आपने आज अपना स्टाइल दिखाना है जी। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा आमद, हमने क्या किया मसाले डालने के बाद? मसाले डालने के बाद इसके अंदर 500 ग्राम टोमेटो ऐड कर दिया। ठीक है ठीक है, फिर हाँ। उसके बाद हमने इसके अंदर पानी रिक्वायर्ड हो तो हम यूज़ कर सकते हैं, वरना जरूरत नहीं रिक्वायर्ड तो कोई ठीक है नहीं है। और आपने टमाटर डालने के बाद पानी, और अब इसको ढक के रखोगी? इसको भी हम ढक कर रख देंगे। हाँ थोड़ा तेज करना है या चूल्हा? हाँ कर दो, आपको इसका ढकना देती हूँ। अच्छा अभी तक और हमने कुछ नहीं डाला है ना एक्स्ट्रा मसाला? कुछ नहीं, कुछ नहीं, स्वाद का ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें अदरक लहसुन बस चॉप्ड फ्रेश आपने वो डाला था और टमाटर चले गए। ठीक है, सारे मसाले तो ऐड हैं ही स्वाद में, तो कढ़ाई का फ्लेवर आ जाएगा एंड के लिए। आपने मेरा ख्याल से ये गार्निशिंग के लिए कोरिएंडर, लेमन और हरी मिर्च हमने एंड के लिए गार्निशिंग के लिए। ठीक है, और जिंजर। ठीक है अच्छा, और इसके साथ साथ जब तक ये कुक होता है हाँ, हमारा जो नेक्स्ट रेसिपी है विच इज चीज एंड तीज मलाई बोटी, ये देखें। ठीक है, ये इतना सारा कुछ लिखा हुआ क्या है? एक तो इंग्रेडिएंट्स हैं या ये मेथड है? और ये मेथड लिखा हुआ है। ठीक है, ये पूरी रेसिपी कार्ड भाई इन्होंने बना के रखा हुआ है, सारा टाइप किया होगा पहले, फॉर्मेट बनाया होगा। मैं हमेशा जब भी कॉटन में भी कोई कंपटीशन होता है ना, इसी तरह डू इट दिस वे। ये चालू, हां मैं इसको यहां शिफ्ट कर देती हूं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है किरण? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश, वेरी पावरफुल। आपको बोला हुआ बोल बोल दे, क्या क्या स्वाद आ गई बोल चो। हाँ ये मजेदार था, एक दफा और, एक दफा और गाऊं? हाँ गागल जारी चो। अच्छा जी जी, गुड गुड। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप भी बहुत अच्छी हैं। थैंक यू। आज की रेसिपीज आपको कैसी लग रही है? डिजर्ट अभी तक हमने ट्राई किया है वो बना के रखा है, बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा मेरी जिसे नाम है मसाले ना, हाँ हाँ, अब ये स्वाद के मसाले जरा चखेंगे और स्वाद भर देंगे जिंदगी में। हाँ जी हमने भर देना। ठीक है, अल्लाह हाफिज। हाँ ये थी कोई पंजाबी एक्सेंट में इन्होंने बोला। Okay. अच्छा अब तो अभी हम सॉस बना रहे हैं। ठीक है, सॉस के लिए हमने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया। ठीक है, उसको थोड़ा सा हीट करके, सही है, वी लेट चॉप्ड गार्लिक। ठीक है, ये था हमारे पास थर्ड रेसिपी स्टार्ट हो रही है, ये सिर्फ अभी सॉस बन रहा है। ठीक है, फिर मैं बताऊंगी मैरिनेशन। ठीक है, उसको अच्छे से हमें सौते करके
चीज एंड टीज, ये भी नाम आपने खुद दिया है, चीज एंड टीज मलाई रोटी। ओके, वील एड 1 टेबल टीस्पून टबेस्को। ठीक है, गार्लिक में टबेस्को, थोड़ा पानी डालना है, डाल दो नहीं वरना वो ना सीटे मारता रहे। टबेस्को इटसेल्फ बहुत ज़्यादा तेज होता है, बहुत ज़्यादा तेज होता है, एक अलग उसका फ्लेवर आता है, या पहचाना जाता है किसी भी चीज़। स्टोव थोड़ा हम स्लो कर लेते हैं, स्लो करूँ? या ठीक है, ठीक है। इसके अंदर वील एड 1 टेबल स्पून मस्टर्ड पाउडर। ओके, आमद को सॉसेस बनाने में बड़ा मज़ा आता है, बहुत स्पेशल पर्सनल इंटरेस्ट है अपने। ठीक है, ये मस्टर्ड मिला के वील ऐड, जो हमारा 200 ml क्रीम का एक पैकेट है, अच्छा हम वो उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, गार्लिक, टबेस्को, मस्टर्ड पाउडर और क्रीम। ठीक है, ठीक है। ये मलाई बोटी के साथ सर्व होगा या ये? मलाई बोटी के साथ सर्व होगा, या फिर हम ऊपर गार्निश भी इस तरह से थोड़ा सॉसी बनाने के। ठीक है, और मलाई बोटी को आमद जो है वो पहले से मैरिनेट करके लाइए, क्योंकि ओवरनाइट, क्योंकि वो ओवरनाइट या सही है। अब वो आप बता देना जरा डिटेल में कि आपने इसमें क्या क्या डाला है। ओके, इसके अंदर फिर हम लास्ट में रखेंगे ओरिगैनो। ठीक है, ठीक है, सही है। क्रीम के साथ चीज एंड टीज, अच्छा चीज तो इस्तेमाल नहीं कर रही हो ना? वो भी हम चीज को लास्ट में मेल्ट करके उसको भी हमने उसमें सर्व करेंगे, जैसे सॉस सर्व करेंगे ना। ठीक है, सेट करेंगे वैसे। का चीज एंड टीज है तो चीज नहीं नजर आ रही है, चीज अभी हम उसको मेल्ट करेंगे। ओके ओके, ठीक है। अच्छा आमद, आप ज़रा बता दो कि मैरिनेशन में हमने चिकन की मलाई बोटी की क्या क्या। अच्छा, और हमें चाहिए होगा इसके अंदर लास्ट में इफ रिक्वायर्ड तो, ठीक है, 1 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट, सही है। मैं इसका भी, मैं इसमें तो है अभी पानी का, अच्छे से बोनलेस कढ़ाई बन रही है। अच्छा, ये सॉस भी हो गई। ठीक है, ये क्या डाल रही हो? ये भी ऑरिगैनो। ठीक है, सॉस तैयार हो गई। मैं इसका वो दूँ आपको प्याला जिसमें इसमें आपने गार्निश करना है। चले जी, हम जब तक सॉस इसमें निकालते हैं, अच्छा मैरिनेशन, मैरिनेटेड जो चिकन है उसकी मैरिनेशन हम आपको बताते हैं। एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक के बाद आप उसकी मैरिनेशन बता देना, और अगर उसको चूल्हे पे रखना है तो हम चढ़ा सकते हैं उसको, या हम मैरिनेट कर, मतलब मैरिनेशन में बता देती हूँ अभी, बाकी हम नहीं, अभी तो हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ओके, ठीक है, अगर चढ़ाना होगा तो उसको चढ़ा सकते हैं, अगर सिंपल चढ़ाना है, चढ़ाना ही है नॉर्मली, बस तेल के साथ। ठीक है, बस तेल के साथ हम चिकन को तो गलने रख देते हैं, लेकिन क्या क्या चीजें डाली थी इस ब्रेक के बाद आमद आपको बताती है। स्टे विद अस। हाँ जी, खुश आमदीद, वेलकम को गुजराती में क्या कहते हैं? वेलकम को कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, वेलकम को नहीं, अब्बू को भी याद नहीं आ रहा। मैंने ऐसा ऑन द स्पॉट, मुझे लग रहा है कि मैं आप आके खुशामदीद उर्दू में कहते हैं। हाँ, खुशामदीद। अच्छा जी, यहाँ पर देख लें, ये स्वाद कढ़ाई मसाले से जो कढ़ाई तैयार हुई है ना, क्या इसकी रंगत और खुशबू आ रही है। आहा हा, अब सिर्फ गार्निश रहती है। या अभी सिर्फ हम किसके अंदर जिंजर मिला के हरी मिर्चे एंड हरा धनिया। क्या ठीक है, और इसको हम डिश में निकाल देंगे बाद में। या चूल्हा बेशक बंद करना होगा, वो कर देना। बहुत ही आसान और स्टेप वाइज आप फॉलो करें जो भी मसालों में, डिब्बों में आपको तरकीब दी गई है, और इनका मान कहना है स्वाद मसालों का कि आप जैसी उसको इंस्ट्रक्शंस को 1-to-1 करके फॉलो करेंगे तो जो बाहर के खाने हैं ना वो
अब घर बैठे एंजॉय करेंगे, वो मज़ा ले सकेंगे। ठीक है, थोड़ी देर उसको, ठीक है उसका फ्लेवर आ जाए अदरक का, और वो ढकना है, ढक देना बेशक। हम ढक देते हैं। ठीक है, सही है। इसको फिर जब तक हम ये कर लेते हैं मलाई बूटी। हाँ, मलाई बूटी की सॉस अभी आमत ने आपको बताई थी ब्रेक पे जाने से पहले, और बहुत ही मज़े की वो क्रीमी सॉस है, ओरिगानो फ्लेवर, थोड़ा सा टबास्को एंड गार्लिक डाल के। और अब इसकी रेसिपी बता दें। इसके अंदर हमने 1 kg चिकन दिया है, योगर्ट हमने इसके अंदर यूज़ किया है 1 cup, ठीक है, और क्रीम हमने 1/2 cup, ठीक है, और गार्लिक पेस्ट 2 tablespoons, हरी मिर्ची 2 tablespoons, मस्टर्ड पाउडर हमने इसमें यूज़ किया है 1 tablespoon, जीरा पाउडर हमने यूज़ किया है 1 tablespoon, सॉल्ट एज पर टेस्ट जो होता है हमेशा, गरम मसाला 1 tablespoon, लाल मिर्च 1 tablespoon, और काली मिर्च पेपर हमने यूज़ किया है 1 tablespoon। फिर उसको ओवरनाइट मैरिनेट करके हमने रख दिया है। क्रीम है और गरम मसाला है, फिर लाल मिर्चा है, हरी मिर्चा है, गार्लिक पेस्ट है, सॉल्ट पेपर, ठीक है। अच्छा, और हरी मिर्च का पेस्ट डाला आपने? या पेस्ट डाला है, सही है। और लेमन शेमन तो नहीं है ना? नहीं, नथिंग। ठीक है, अब इसको हम कुक करने रख देंगे। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कह रहे हैं आप ही? जी कौन बात कर रहे हैं? मैं इकरा बात कर रही हूँ, आप ही कराची से? हाँ जी, क्या कहेंगी आप? क्या जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपका शो में हर वीकेंड पे बहुत शौक से देखती हूँ, आपकी रेसिपीज भी ट्राई करती हूँ, आपकी आज की रेसिपी माशाल्लाह बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी रेसिपीज बना रही है। हाँ, और हमारी लाइट चली गई। अरे चलो, कब होगा आपका शो? ये रात 9 बजे आता है ये। मैं जरूर देखूंगी। हाँ आप जरूर देखना। मेरी मम्मी भी आपसे बात करना चाहती हूँ, बहुत शौक से देखती है आपका प्रोग्राम। ठीक है ठीक है, बात कराइए। हेलो, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो, कैसी हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बहुत प्यारी हूँ। बहुत खुश है, बहुत अच्छी है। अरे वेरी गुड, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही रखे खुश। अल्लाह आमीन। हाँ और बेटा क्या पक रहा है? हमने तो देखा ही नहीं, थोड़ा सा ही देखा था, लाइट चली गई। आज तो ये छोटी सी आई है आमत हमारे शो पे, छोटी सी नहीं है लेकिन है, अपने काम में तेज है, होशियार है, मजे मजे से कुकिंग कर रही है। हमने देखा हमको छोटी सी है, प्यारी सी है, क्यूट सी है, लेकिन कुकिंग बहुत अच्छी कर रही है। आमत शर्मा रही है आप। जी आमत शर्मा गई। या इनका नाम क्या था, मैं भूल गई। आमत, आमतुल्ला, आमतुल्ला, आमतुल्ला। ये भी कराची से आई है? या कराची की है, बिल्कुल सदर से आई होंगी, आई थिंक बोरी लग रही है। हैदरी से आई है, बोरी बोरा फैमिली से है, बिल्कुल। हाँ मैं तो यही इनको बोल रही थी। अच्छा जी आप फोन रखें, मैं इससे गपशप लगाती हूँ। मैं तो यही बोल रही थी आज थोड़े बोरे खाने भी मिलते हैं हमें खाने के, तो मजा आ जाता। नेक्स्ट टाइम मैं बोरे खाने लेकर आऊंगी। हाँ फुल फुल बोरी स्टाइल, फुल बोरी लेकर। अच्छा आपने चिकन इसमें डाल दिया ऑयल को करके, और ये कुक होती रहेगी, ये कुक होती रहेगी। अच्छा आमत इसको तो रख दो ढक के। या अब आ जाओ कैनेपीज पे, है ना? अब कैनेपीज के 2 steps हैं, सही है। और कैनेपीज के जो पहला स्टेप है आई थिंक उसका मशरूमी मिक्सचर या सॉस कुछ बनाने का होगा, और दूसरा बिस्किट्स वगैरह का गार्निशिंग का होगा। तो इसको बंद करना है, चूल्हा बंद करना। अच्छा आमद हम कैनेपीज की 1 step शुरू करें? या अभी हम करते हैं। ठीक है, इसको बंद करके साइड कर देते हैं, बाद में डिश में निकाल देंगे। मैं इसको पीछे थोड़ा सा पीछे साइड पर। अच्छा जी अब बताओ क्या करना है। तो अभी एक बाउल चाहिए होगा खाली। हाँ पीछे रखे हुए क्या क्या चीजें करके लाई है? इट्स ओके, इट्स ओके। हाँ अच्छा, प्लेन सॉल्टेड वाले बिस्किट्स हैं, इसके साथ हम बना रहे हैं। ठीक है जी, ये 4th card है, बिस्को मश कैनपी। ओके सही है, क्या कर रहे हैं? इसके अंदर वी नीड, ये मुझे बिस्कोमश वाला चाहिए, ये ले लो। थैंक यू। तब बिस्किट के लिए हमने चाहिए होगा मेयोनीज, ठीक है, ठीक है, 4 tablespoons, इसके अंदर हमें मोज़रेला चीज़, 1 tablespoon, ठीक है, देन वी विल ऐड
सॉल्ट हमारे पास वहाँ पे था, निकला हुआ ये इसमें निकाल लो। अच्छा ठीक है, ये क्या डूम आइए रहिए स्वाद सॉल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। यस, वन टेबल स्पून। ठीक है, मेयोनीज एंड चीज। ये है काली मिर्च। या एप्पल। ठीक है, वन टेबल स्पून। पेपरिका पाउडर। ठीक है, दो छोटा चम्मच। या ये लो, थैंक यू। वन टेबल स्पून। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे श्रेडेड चिकन। ठीक है, ये सिंपल बॉइल्ड या सिंपल बॉइल्ड डाला हुआ इसमें। इसके अंदर मैंने ना गार्लिक पेस्ट रखा था बॉइल होने के टाइम। ठीक है, और लाल मिर्च, थोड़ा सा लाल मिर्च क्योंकि उसको थोड़ा सा अच्छा सा कलर देने के लिए हमने किया था। और हम डालेंगे चिली फ्लेक्स। अच्छा, ये चाहे तो हम ऊपर से गार्निशिंग भी कर सकते हैं और चाहे तो ऐसे ही डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये भी आप देख रहे हैं स्वाद के हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसको हम अच्छा सा मिक्स कर देंगे। और ये बना है इसका बिस्किट के ऊपर लगाने का। या ठीक है, बिस्को मश। बिस्को मश, बिस्को तो तैयार हो गया, अभी मशरूम को तैयार कर। या तो ये हमने लेंगे। ये मैंने कॉटन में सीखा था बेसिकली। अच्छा, लेकिन वो दूसरे रेसिपी के साथ, ये मेरा खुद की। अच्छा, चिकन के साथ ये अच्छा म्यूजिकल लगेगा। मशरूम के साथ भी अभी आपने कुछ करना है इसका। जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इसका भी, अब ये ऊपर जाएगा उसके। नहीं नहीं नहीं, वो डिफरेंट, दोनों अलग अलग है। बिस्को हम सर्व साथ करते हैं, लेकिन दोनों की जो स्प्रेड है ना, वो दोनों का डिफरेंट है। अच्छा, वो अलग है। या तो समझो चार नहीं ना, पांच रेसिपीज आपने बना ली। काइंड ऑफ है ना। या चलो, ये तो मैं वैसे ही चख लूँ। या तो वो जो चिकन स्प्रेड मिलता है ना बना हुआ, या ये सॉल्ट बिस्किट के साथ भी ज़्यादा ये स्प्रेड बहुत अमेजिंग लगता है। हाँ, मज़े का लग रहा है स्नैक्स के टाइम पे बेसिकली खाने के। चिकन भी आपने उसका फ्लेवर आ रहा है ना। या कॉलर, हेलो, ब्रेक है। अच्छा सॉरी, हम यहाँ पर बिस्को मश कैनोपी पहले तैयार करते हैं, फिर मश तैयार करेंगे। हम यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। आज हम आपको पाउच 365 की बुक्स भी दे रहे हैं, आप लोग कॉल कीजिए और ज़रा अपने अंदाज में स्वाद आ गया बादशाह हो तो ज़रा बोल कर दिखाइए। एक ब्रेक। एक से हम वापस आ गए हैं और कढ़ाई तैयार हो गई, हमने डिश में निकाली है। आई टेल यू, स्वाद मसाला वाकई बहुत ज़बरदस्त है। जो खुशबू आ रही है ना कढ़ाई की, वो बिल्कुल जैसे हम अलग से धनिया और ज़ीरा भून के कुटा हुआ डालते हैं ना कढ़ाई बनाते वक्त, बिल्कुल वैसा फ्लेवर आ रहा है। नो डाउट, स्वाद मसाले, स्वाद भरी ज़िंदगी। अच्छा जी, इसको अच्छे से और शक्ल भी देखें, हमने कोई एक्स्ट्रा लाल मिर्ची नहीं ली थी, कोई और दूसरे मसाले ऐड नहीं किए थे, सारा का सारा ये पैकेट का जो मसाला हमने इस्तेमाल किया, एंड वेरी गुड। अच्छा जी, आ जाओ अब मशरूम की, मशरूम की तरह हमने रात में मशरूम को गार्लिक और लेमन जूस के अंदर उसको मैरिनेट करके रख दिया था इसको ओवरनाइट। लेमन एंड गार्लिक, लेमन एंड गार्लिक। और इसको सिर्फ अभी आप बटर में फ्राई सौते करो, सौते करना है। ठीक, बटर में। और इसकी फिलिंग होनी है। अच्छा, फाइन चॉप, बहुत छोटा फाइन चॉप क्योंकि मशरूम का साइज बहुत छोटा होता है। बिल्कुल, टू टेबल स्पून हमने इसमें प्याज ले लिया। ठीक है, अनियन सही है, चॉप्ड ऑलिव्स टू टेबल स्पून। ठीक है, ठीक है, चॉप्ड गार्लिक टू टेबल स्पून। ये फिलिंग इसकी कुक नहीं होगी ना, ये तो हम ऐसे ही डालेंगे। ठीक है, ये हम चाहे तो मशरूम को बेक कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन ठीक, हमारे ऊपर सॉल्ट एंड पेपर एस्पर्ट। ये ले जी, स्वाद का पेपर एंड
सॉल्ट निकला हुआ है, ये ले लेते हैं। अच्छा, और यहाँ पर ये कैनपीज आप देख रहे हैं, बिस्को मश कैनपीज में से बिस्को आ गया है, ये मश रहना है। ये बहुत मज़े का फ्लेवर दिया है, इसकी फिलिंग भी इसने अच्छी दी है, बस एक स्नैक है, डिफरेंट स्टाइल से आप इसको सर्व कर सकते हो। और लेमन जूस, ओके ओके ठीक है, प्याज, गार्लिक और ऑलिव्स, चीज़, हम चाहे तो इसके ऊपर चीज़ रख के उसको बेक भी कर सकते हैं। अच्छा, सही है, डिपेंड्स, ऑरिगैनो, ठीक है। छोटी सी चीज़ है मशरूम, लेकिन उसकी फिलिंग के लिए कितनी उसके लिए ऑयल, थोड़ा सा ऑयल, अच्छा या थोड़ा सा ऑयल, सही है। अभी हम इसको मिक्स कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये कढ़ाई आप देख लें, मलाई बोटी, इसको भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, या बिल्कुल आपने ड्राई करना है, बिल्कुल ड्राई, सही है। अच्छा, जब तक आप मशरूम को सौते करती हो, लेमन और गार्लिक में तो मैरिनेट करके रखा हुआ था, आप बटर में सौते करें। मैं अपने ज़रा गेस्ट को इनवाइट करूंगी और थोड़ी सी बातचीत करूंगी। बीच लग्जरी होटल से आए हैं जी हमारे पास एग्जीक्यूटिव शेफ़ और मुमताज़ अली साहब, और इनसे हमारी पहले भी बातचीत रही है। अब ज़रा जानते हैं कि बीच लग्जरी होटल में अब अपकमिंग क्या है, क्या अपडेट्स हैं, क्या कुछ चल रहा है। आइए ज़रा वेलकम करते हैं मुमताज़ साहब को। अस्सलाम वालेकुम, तशरीफ़ रखिए, क्या हाल चाल है आपके? ठीक, आप सुनाइए। हाँ जी, क्या हो रहा है बीच लग्जरी होटल से? कभी कोई खबर नहीं आ रही काफी टाइम से। आपको तो मालूम है कंडीशन क्या है इस वक्त। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्या चल रहा है आजकल ना, हम लोग सिर्फ टेक अवे और प्रमोशन प्रमोशन चल रहे हैं, तमाम जितने भी आउटलेट्स मेन्यू हैं सब हमने सोशल मीडिया पे अनाउंस किए हुए हैं। घर बैठे बैठे आप ऑर्डर करें बीच लग्जरी होटल, घर बैठे बैठे ऑर्डर करें, सी फूड भी सारा सब कुछ जितना भी है, कस्बा का हमारा सी फूड स्पेशलिटी है वो हमारी सब टेक अवे है। अच्छा, इसके अलावा फैमिली डील्स हैं जो कि फैमिली के साथ गेट टुगेदर करते हैं तो हमसे ऑर्डर करवाएं, काफ़ी कुछ आ रहा है। और ईद पे भी इसे फंक्शन घर पे कर रहे हैं, कोई 7-10 लोगों का, हम बस एक कॉल करें बस। अच्छा, सब कुछ हाजिर है, सब कुछ हाजिर है, सब कुछ हाजिर है। ठीक है ठीक है, तो और वैसे क्या आपका क्या बस आजकल ये है कि ईद वीद का कुछ स्पेशल, ईद के लिए हम लोगों ने डील्स किए हैं, डील्स बनाई हैं, केक्स हमारे बहुत पॉपुलर हो रहे हैं कराची के अंदर। आपने सब जितने भी सोशल मीडिया पर अनाउंस हुआ है और जो हम लोग चेंजिंग थोड़े से स्पेशलिटी केक भी हमारे जो पेस्ट्री शेफ हैं बनाए हैं उन्होंने, वो भी हम लोगों ने नेट पे और सोशल मीडिया पे डील डाली भी है, बाय वन गेट वन फ्री वाले काम आ रहा है ना? अभी यही काम आ रहा है और आप लोग के साथ हो रहा है। हाँ, इसी पे काम, हर जगह ही चेंज है और चेंज आया है तो अभी सब तो थोड़ा सा काम का लोड भी कम हुआ होगा शेफ्स वगैरह पे। काम का लोड भी थोड़ा समझ लिए कम भी हुआ है। इसके अलावा ये है कि हम लोग अपकमिंग जैसे नॉर्मल हालात आ जाएंगे तो उसके अंदर हमें क्या स्टडी यूज़ करनी है, कि इस्तेमाल करना है, कौन से प्रमोशन करना है। अच्छा, फिर ये भी है कि आप लोग के साथ क्या करना है। बिल्कुल, इस तरह के शोज वगैरह में शोज भी करने हैं। ज़्यादा हम लोग अभी जो फोकस कर रहे हैं वो टेक अवे पे ही कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा ये है कि आप डिलीवरीज भी आप लोगों की है, होम डिलीवरीज आप लोग कर रहे हैं? बिल्कुल, हम काफ़ी उनके कॉरियर के साथ हमारे डील चल रही है। अच्छा ठीक है, कॉरियर्स के साथ है। इसके अलावा हमारे जो दूसरे मुख्तलिफ जो राइटर्स हैं उनके साथ भी डील चल रही है उनसे। बस आप कॉल करें, बाकी काम सब हमारा है। अच्छा, तो वो सी फूड का होता है ना कि अच्छा चलो दिल जा रहा है जरा। और सबसे बड़ी बात है सी फूड फ्रेश ही मिले, फ्रेश है। अब जैसे आप ऑर्डर करेंगे उसके हिसाब से हम लोग प्रिपरेशन है उसके, हम अपने शेफ से, लेकिन शेफ्स हमारे सब हैं, सारे जो कस्बा के जो शेफ हैं और सी फ्रेंड्स के जो हैं, 007 के शेफ्स हैं ऑन ड्यूटी। जैसे किसी वक्त भी अगर सिनेरियो चेंज होता है या कोई स्पेशलिटी, जी जी, लोग हैं अब इतना तो है घर के अंदर 10-12 तो लोग होते हैं, उनके लिए भी कभी कुछ चेंज खाना है तो फिर चेंज करने के लिए भी होता है। असल में कुछ लोगों, कुछ लोग जैसे बाहर खाने के शौकीन थे और उनका खास एक टेस्ट बना हुआ था कि यहाँ जाकर हमने ये चीज खानी है, तो ऐसे कई आपके रेगुलर कस्टमर्स होंगे जो आते होंगे बीच लग्जरी, वो ऑर्डर कर लें। कस्बा के तो आपको मालूम है, कस्बा रेस्टोरेंट तो हमारा सिग्नेचर रेस्टोरेंट है, उस पर तो लोग जो हमारे क्लाइंट्स हैं है। जो 30-30 साल से और 25-25 साल से लोग हमारे साथ ही तो जुड़े हुए हैं और जिनका हम जिनको
बखूबी जानते हैं, उनका टेस्ट जानते हैं बिल्कुल, तो वो तो वो लोग भी ऑर्डर करेंगे तो कुछ चीज़ चाहिए कैसी किसी किस्म की, तो हम लोग डिलीवर करते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो है हमारे यहाँ ये है कि अभी हमारे को काफ़ी चीज़ के अंदर जो है ना चेंज लाने को टाइम मिला, अच्छा एक्सपेरिमेंट करने के, रेसिपीज पे काम करने को टाइम मिला हमारे को, सोशल मीडिया को किस तरीके से हमें हमारा जो मीडिया डिपार्टमेंट है वो किस तरीके से उसको डील कर रहा है। सारे हर चीज़ के कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज। ये हमारी यंग सी स्टूडेंट है, गौतम से कर रही हैं ये, और आमतुल्ला इनका नाम है। और ये ज़रा आप देखें, ज़रा ज़बरदस्त इन्होंने आज एक ये डिज़र्ट ट्राई किया। अच्छा ये भी तैयार हो गए, फिलिंग कर ली मशरूम की, आज डन। अच्छा देखिए छोटी सी चीज़ है मशरूम और उसको किस तरीके से उसने एक अलग फ्लेवर दिया, वेरी नाइस। ये क्रिएशन है ना, क्रिएशन किस चीज को कहां यूटिलाइज कर, यही शेफ की वो है और यही तो स्पेशलिटी है शेफ की। हाँ बिल्कुल ठीक है जी आमतुल्ला, ये भी हो गया। हमारी मलाई बोटी भी तैयार है, उसको हम डिश आउट करेंगे। कढ़ाई स्वाद की मसालों से जो हमने बनाई वो तैयार है। अब क्या करना है हमने, ये बस अभी हमारा मोनसलवा का जरा पराठा फ्रीजर से निकाले ना, इसको हम सर्व करेंगे उसके मलाई बोटी के साथ। या हाँ ये दूसरी वाली साइड पे, ये मोनसलवा के हम पराठे हैं फ्रोज़न, इसको हम एक फ्राई करते हैं, दो फ्राई करते हैं। और मोनसलवा के दूसरी चीज़ें भी हैं, सारी रेडी टू ईट हैं। आप लीजिए फ्रीज़र से निकालें और तलिए और इन्जॉय कीजिए। कई वेरिएशंस हमारे शो पर भी हमने सिखाई हैं कि चिकन फिंगर्स को एज इट इज़ भी खाएं, कोई सॉस तैयार कर लें और उसके साथ आप सर्व करें। एक बाकायदा डिशेस तैयार कर दी गई हैं हमने, और सीख कबाब भी है इनके, क्रिस्पी शॉट्स भी हैं, चिकन कोफ्ता भी हैं जो बहुत मज़े के, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है जी, अगर ब्रेक आ रही है हम ब्रेक लेते हैं। और मुमताज़ साहब आपने कुछ और ख़ास बात अपने व्यूअर्स को बतानी है तो ज़रूर बता दें। भाई यही है कि जो हम अपने जो प्रमोशंस अनाउंस किए हैं इसकी तरफ आप लोग सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया पे हैं ठीक है, इसके अलावा आप वेबसाइट पे awari.com के वेबसाइट पे, बीच लग्जरी के फेसबुक वेबसाइट वेब पर है, सब कुछ आपके सही है। आप तो बहुत आप घर में बैठे हुए तो यही हो रहा है, यही सारा हो रहा है। यानी कि आप बीच लग्जरी होटल का खाना खाना चाहते हैं तो आप महरूम नहीं हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये लोग टेक अवेज और होम डिलीवरीज भी दे रहे हैं। थैंक यू सो मच मुमताज़ साहब। हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे और फिर हम क्या करेंगे, आइसक्रीम स्कूप करके ज़रा मीठे पर डालेंगे और आपकी मुलाकात करवाएंगे आमद के फादर से। स्टे विद अस। हाँ जी वेलकम बैक। सारी चीज़ें तैयार हैं, अब सिर्फ वो जो डिज़र्ट बनाया था उसके ऊपर हमने मैंगो आइसक्रीम का स्कूप से टॉप करना है, एंड दैट्स अबाउट इट। और क्या नाम है आपका, आमद, सब हो गया ना? या अच्छा ये यहाँ पर मलाई बोटी को आपने सर्व किस तरीके से करना है, ये स्टिक्स के साथ आपने इस तरह से सर्व करना है। और पराठा हमने मोनसलवा का फ्राई किया, इसकी सॉस भी आपको बनाना बताई, बहुत मज़ेदार बना है। गार्निशिंग इज A1, वेरी गुड प्रेजेंटेशन, थैंक यू। अच्छा जी आइए मुलाकात करवाते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ वालिद साहब बैठे हुए हैं। आमद के अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आइसक्रीम तो बहुत ज़बरदस्त है भाई, नजमी आइसक्रीम तो आज आपकी बहुत फेमस हो गई है, अब तो ऑर्डर्स आएंगे, फुल काम बढ़ जाएगा। कब से कर रहे हैं आप ये? तकरीबन 12-13 साल हो गए। अच्छा अच्छा, तो कुकिंग में भी आपका इंटरेस्ट है? कुकिंग में भी है, लेकिन कुकिंग इनके साथ ही होता हूँ मैं ज़रा। अच्छा, सप्लाई वगैरह मेरी होती है इनके साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, वो कह रही ना कि मैंने अब्बा से भी बहुत कुछ सीखा है, तो ये मैं फेवर करता हूँ हर जगह, जो इनका शौक होता है उनको मैं पूरा करता हूँ, किसी चीज़ में वो नहीं होता। आज भी देखे ना क्या ज़बरदस्त इसने वो कुकिंग की है। अच्छा जी मैं ज़रा, मैंने कहा सारे फ्लेवर ज़रा मुझे लेकर आइए। काजू वो आइसक्रीम तो बहुत मज़े की थी, ये है अजवा, ये काजू रबड़ी, ये काजू रबड़ी जी, काजू रबड़ी। अच्छा ये काजू रबड़ी, कमाल, मज़ा आ गया। और ये है अजवा, ये अजवा। आज तो भाई मेरी, मैं कल से मैं आइसक्रीम याद कर रही हूँ ना, उनका आइसक्रीम आती है तो खोलूँगी। और ये है अजवा, तो काफ़ी सारे फ्लेवर्स हैं आपके? जी 40 फ्लेवर्स हैं मेरे पास। मैंने कहा चलो आए हैं ये तो हम ज़रा आइसक्रीम की भी बात ही कर लें। ये खजूर वाली जी, अजवा खजूर,
टू गुड भाई, मैं तो आपको ऑर्डर दे दूंगी। थैंक यू। ये नारियल मलाई, ये नारियल की मलाई है ना, इसकी बनती है कोकोनट, कोकोनट वाली। आप लोग तो बड़े शौक से आइसक्रीम ही खाते रहते होंगे। नहीं, हम नहीं खाते आइसक्रीम शौक से, क्योंकि अब इतना खा लिया है कि। थैंक यू। वो खोपरे वाली चॉकलेट आती है ना, इसमें क्या करे, चॉकलेट के चंक्स भी डाल दें, बहुत मजे के लगेंगे। ऐसी ज्यादा भाई मज़ा आ गया। ये मैंगो आइसक्रीम के साथ आपने गार्निश कर दिया, ज़बरदस्त सा डिज़र्ट भी बनाया है आमद ने। जेली है, कस्टर्ड है, सब मैंगो फ्लेवर है, और आपने शुगर वाले बिस्किट्स का चूरा किया, ऊपर से फ्रूट डाला मैंगो, और टॉप कर लिया आइसक्रीम के साथ। वेरी नाइस आमद, थैंक यू। अब एक जल्दी से गुजराती में फिर ब्रेक ले लो। हमें आवे छे छोटा सा ब्रेक, पछी स्टे ट्यून्ड। Stay tuned. Lively weekends. Har ghar mein jab sab hote hain saath, hoti hai pyar ki baat. This is Pakaya. बिस्कॉमिश कैनापीज, अच्छा नमकीन बिस्किट्स एक पैकेट, मेयोनीज़ चार खाने के चमचे, रेशा की हुई चिकन हसपे ज़रूरत, मोज़रेला चीज़ हसपे ज़रूरत, नमक हसपे ज़रूरत, काली मिर्च हसपे ज़रूरत, पेपरिका पाउडर एक खाने का चमचा, गार्लिक पाउडर एक खाने का चमचा, चिली फ्लेक्स एक खाने का चमचा, दीगर अज्जा, मशरूम एक टिन, कटी प्याज एक अदद, कटा लहसुन एक अदद, जैतून चंद अदद, नमक एक खाने का चमचा, काली मिर्च एक खाने का चमचा, नींबू का रस एक खाने का चमचा, मोज़रेला चीज़ हसपे ज़रूरत, ओरिगानो एक चाय का चमचा, तेल एक खाने का चमचा, मक्खन एक खाने का चमचा। तरकीब, एक बोल में नमकीन बिस्किट्स, म्यूनीस, नमक, काली मिर्च, पेपरिका पाउडर, गार्लिक पाउडर, मोज़रेला और चिकन अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब मशरूम्स को काट कर लीमू का रस, काली मिर्च, नमक, मोज़रेला चीज़, ओरिगानो, कटी प्याज, लहसुन, तेल और मक्खन मिक्स करके पेस्ट बना लें। आखिर में इस पेस्ट को बिस्किट्स पर फैलाएँ और सर्व करें। चीज़ एंड टीज मलाई बोटी, मैरिनेशन के अज्जा, बोनलेस चिकन एक किलो, दही आधा कप, क्रीम आधा कप, लहसुन का पेस्ट दो खाने के चमचे, हरी मिर्चें एक खाने का चमचा, मस्टर्ड पाउडर एक खाने का चमचा, जीरा पाउडर एक खाने का चमचा, नमक एक खाने का चमचा, गर्म मसाला एक खाने का चमचा, इसी लाल मिर्च एक खाने का चमचा, काली मिर्च एक खाने का चमचा, दीगर अज्जा। पराठा सर्विंग के लिए, स्लाइस्ड प्याज सर्विंग के लिए, सब्जियाँ सर्विंग के लिए, सॉस के लिए अज्जा। क्रीम एक पैकेट, टबास्को एक खाने का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट एक खाने का चमचा, लहसुन 5-6 चवे, तेल दो खाने के चमचे, ओरिगानो दो खाने के चमचे। तरकीब, एक बोल में बोनलेस चिकन और मैरिनेशन के तमाम अज्जा डालकर 10 से 15 मिनट मैरिनेट कर लें। अब इसे फ्राइंग पैन में फ्राई करके निकाल लें। सॉस के लिए एक पैन में तेल गरम करके लहसुन सौते कर लें, फिर इसमें ओरिगानो, टबास्को, मस्टर्ड और क्रीम शामिल करके मिक्स कर लें। उसके बाद सॉस को चिकन पर शामिल करके चीज़ शामिल करें। आखिर में इस पर स्लाइस्ड प्याज और सौते की हुई सब्जियों से सजाएँ और पराठे के साथ सर्व करें। कड़ाही गोश्त अज्जा, मटन, बीफ या चिकन एक किलो, टमाटर 500 ग्राम, लहसुन का पेस्ट एक चाय का चमचा, अदरक का पेस्ट एक खाने का चमचा, बारीक कटी अदरक हसपे ज़रूरत, हरी मिर्चें हसपे ज़रूरत, हरा धनिया हसपे ज़रूरत, तेल या घी 200 मिलीलीटर, कड़ाही गोश्त मसाला एक पैकेट। तरकीब, एक पैन में तेल गरम करके गाय या चिकन फ्राई कर लें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ देर भून लें, फिर इसमें कड़ाही गोश्त मसाला डालकर चमचा चलाएं। उसके बाद हसपे ज़रूरत पानी शामिल करके धीमी आंच पर 20 मिनट पकाएं। अब इसमें टमाटर डालकर पानी खुश्क होने तक पकाएं, फिर इसमें हरी मिर्चें डालकर 5 से 10 मिनट तेल ऊपर आने तक पकाएं। आखिर में इसे निकालकर पुदीना और अदरक छिड़क कर पेश करें। मैंगो हर्स ट्राइफल अज्जा, मैंगो कस्टर्ड आधा कप, मैंगो जेली एक पैकेट, बिस्किट्स हसपे ज़रूरत, मैंगो आइसक्रीम हसपे ज़रूरत, आम के कतले हसपे ज़रूरत, पुदीने का पत्ता एक अदद। तरकीब, मैंगो जेली पकाकर 5 मिनट ठंडा कर लें। अब इस पर एक लेयर मैंगो कस्टर्ड की बनाएं, फिर इस पर बिस्किट्स की लेयर बनाएं। उसके बाद इस पर आम के कतले काटकर शामिल कर लें। आखिर में मैंगो आइसक्रीम शामिल करें और एक अदद पुदीने के पत्ते से सजाएं और पेश करें। Lively weekends.
मैंगो वर्स ट्राइफल, अच्छा मैंगो कस्टर्ड आधा कप, मैंगो जेली एक पैकेट, बिस्किट्स हसपे ज़रूरत, मैंगो आइसक्रीम हसपे ज़रूरत, आम के कतले हसपे ज़रूरत, पुदीने का पत्ता एक कदम। आज तो लाइली वीकेंड्स में काफ़ी रौनक लगी रही, मेहमानों का आना जाना लगा रहा और अभी हमें मायदा ने भी ज्वाइन किया। हाँ जी, मायदा को क्यों बुलाना चाह रही थी आप? क्योंकि मायदा ने मुझे जब से मैंने ये फील्ड स्टार्ट की है, हाँ, उसने मुझे स्टार्ट से बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। लाइक वो मेरी बहुत बड़ी सीनियर है और लाइक मायदा हमारे शो पे भी आ चुकी है, ये खुद भी इंस्टीट्यूट से पढ़ी हुई और अब तो मेरा ख्याल से मसाला के काफ़ी सारे शोज में भी आप काफ़ी सारे लोगों को इन करती रहती हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि एक होता है ना कि टैलेंट है इन लोगों में, तो बोलते हैं कि शो पे जाना है, तो बस मैं इनको बोलती हूँ तो फिर ये आ जाते हैं यहाँ पे। ये लाइवली वीकेंड्स की एजेंट हैं, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नहीं बट गुड शो आमद ने बहुत अच्छी कुकिंग इसने आज की ये ज़बरदस्त, मुझे आज के ये स्वाद मसाले का कढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त लगा और आपने कैनपीज इतनी अच्छी, गार्निशिंग वगैरह साथ हर चीज़ वेरी गुड शो। रात 9 बजे ज़रूर देखिए। लेकिन एक ऑनेस्टली मैं ज़रूर बोलूँगी कि ये खानों को भूल के ना मैं लग गई थी आइसक्रीम और ये था जी आपका कमाल लजमी आइसक्रीम। अगर ऑर्डर करनी हो तो हम कैसे करें सर? आप कॉल कीजिएगा। अब हमें क्या पता आपका नंबर क्या है? आपको देता हूँ नंबर। नहीं, वो तो मुझे दे देंगे। बाकी लोगों ने अगर आपकी काजू आइसक्रीम के काजू एंजॉय करने तो क्या खाने कैसे करें? पेज है, मैं हाँ, वो पेज, पेज नजमी आइसक्रीम के नाम से हमारा एक पैम्फलेट है। अच्छा ठीक है, वो फिर पेज पे डाल देना। मैं डाल दूँ? हाँ, नजमी आइसक्रीम के नाम से हमारा पेज है। सही है, उस पर है नंबर, नंबर भी है, सब कुछ है, डिटेल सारी। इतने मजे की आइसक्रीम है, मैं काजू वाली जो इनकी रबड़ी खा रही थी तो मोटे मोटे चंक्स काजू के आ रहे। हंस रहे हैं आप? वेरी नाइस जी, मैंने बड़ा इन्जॉय किया। अब तो ऑर्डर पक्का है और प्राइस भी मैं पूछ रही थी, डिफरेंट प्राइस है क्योंकि वो फ्लेवर के हिसाब से होता है। 300 ऑनवर्ड से स्टार्ट है आपका, 400 भी है, 600 भी है, वो जो आप फ्लेवर लेंगे तो वेरी गुड। अच्छा जी, ये था हमारा आज का शो और अब कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई रेसिपीज और नए मेहमानों के साथ। तब तक आपने क्या करना है, और विनर अनाउंस करना है, ठीक है? इकरा है कराची से, जो कराची की बावी 365 जीती है, और साजदा ने जीती है फैसलाबाद की बावी 365। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। एनिक्स का तोहफा आपके साथ जाएगा आज, जो आपके लिए गिफ्ट है ताकि आपको हमारी याद दिलाए। होप यू एंजॉयड द शो, मज़ा आया, रिलैक्स हो? बहुत मज़ा आया, जैसे सोचा था। हाँ, थोड़ी नर्वस थी बट। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये इतनी नर्वस थी आई कांट इवन टेल यू। ये मतलब लास्ट 15-20 डेज से ये प्रैक्टिस कर रही है, ये तैयारी कर रही है और सारी रात ये नहीं सो सकी। मैंने इनको यही बात बोली थी कि जाओगी इतना अच्छा फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिलेगा कि इजी हो जाओगी, और क्या? पता भी नहीं चला और इसने टाइम पे बहुत अच्छी तरीके से, बारिश भी कल एंजॉय नहीं की इसने कराची की सानी। एनीवेज, अब जाकर रिलैक्स होना और सुकून से सोना और फिर खुश रहना इंशाल्लाह। सही है जी, यही दुआएं आपके लिए भी हैं। अच्छा सोचें, अच्छा सोचें और अच्छा सोचते रहें। खुदा हाफिज़। क्या घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार।